जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। साहब, हाँ, और एक ड्रिंक दो। साहब आपको ड्रिंक नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा साहब आपको ड्रिंक। हाँ ये जोसेफ साहब पहले ही कितना उधार हो चुका है। नहीं मिलेगा साहब आपको ड्रिंक। सबके सामने इज्जत क्यों होता है? अपना भी होता है साहब। इन्हें एक ड्रिंक दे दो। पर साहब इसका बिल कौन भरेगा? मेरे बिल में डाल देना। अच्छा साहब। अरे थैंक यू माय फ्रेंड। बैठिए। आप कहते हैं तो बैठता हूँ। आप एक टांग पर खड़े रहने को कहते तो वो भी करता। मेरा नाम रवि है, रवि मेहरा। जयेश, नाइस मीटिंग यू। क्या करते हो जयेश? कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। क्या कोई घर बार नहीं है तुम्हारा? कभी कभी चला जाता हूँ। हम लोग इतने भाई बहन हैं कि अगर नहीं गया तो किसी को पता भी नहीं चलता। लगता है शादी नहीं की। शादी औरत से की जाती है और मेरे ख्याल से औरत बेवफा होती है। हर औरत नहीं। जाहिर है शादीशुदा हो। जाहिर है। एक बात बताओ, औरत शादी किसी एक से करती है और प्यार किसी दूसरे से? हा? मैं नहीं मानता। जाहिर है। आप अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, हर औरत एक सी नहीं होती। हर औरत बेवफा होती है। मेरी बीवी नहीं। साबित करके दिखाओ। तुम कहना क्या चाहते हो? अब जाने भी दो। हर पति अपने पत्नी के बारे में सच्चाई जानने से डरता है, क्यों जोसेफ? सही है साहब। मैं नहीं डरता, मेरी बीवी बेवफा नहीं है। अच्छा, लगी शर्त। लेकिन यह साबित कैसे होगा? तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। आपके घर? लगता है साहब आ गए हैं। नंदू तुम प्लेटें लगानी शुरू करो। जी मैम साहब। रवि बड़ी देर कर दिया। हेलो अनीता डार्लिंग, हाउ आर यू? ओह सॉरी, ये है मिस्टर जयेश, जयेश माथुर, मेरे दोस्त, मेरे, खैर जाने दो। और जयेश, यह है मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी अनीता। हेलो। नमस्ते अनीता। जयेश कुछ दिन यहीं रहेगा, हमारे बीच एक खैर जाने दो भाई, बड़ी भूख लगी है। खाना? नमस्ते साहब, खाना तैयार है साहब। अरे खाना तो लगा हुआ है, लेट्स हैव फूड। जाहिर है तुमने भी नहीं खाया होगा। नहीं खाया ना? देखा, भारतीय नारी आदर्श नारी। काम, लेट्स हैव फूड, कम ऑन। हे, क्या बनाया आज? आज सब तुम्हारी मनपसंद की चीजें बनी हैं। और वो भी मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। गुड, वाओ। साहब रोटी लीजिए। अरे भाई एक और दो यार, इनको जज साहब को दो।
थैंक यू अनीता, इसका कोई घर बार नहीं है, इसने शादी नहीं की, पूछा क्यों? क्यों? देखा कैसे झट से पूछा, हमारी बीवी आज्ञाकारी है, हम्बल मॉडेस्ट एंड फेथफुल। ओह यस, शी इज वेरी फेथफुल। अनीता, इनके ख्याल में हर औरत बेवफा होती है, तुम्हारा क्या ख्याल है? जो ऐसा सोचते हैं मेरे ख्याल से वो खुद कितने घटिया इंसान होते हैं। ऐसा आप सोच सकती है मैडम, क्योंकि आपने मेरी तरह चोट नहीं खाई है। Yes, women, you know, he hates them. He hates women, Anita. He hates every woman. क्या हुआ अनीता? अनीता, मुझे भूख नहीं है। Excuse me, अनीता, अनीता, अरे सुनो तो, अनीता, क्या हुआ? तुम कैसे आदमी को अपने घर ले आए हो? अरे ठीक है यार, वो खराब आदमी है, घटिया आदमी है, मगर कोई तो वजह होगी उसे यहाँ लाने की, शायद कोई प्लान। तुम भी अच्छी आदमी हो, ठीक है, अब तुम ही इसके साथ डिनर करो, मुझे इसके साथ डिनर लेने का कोई शौक नहीं है। गुड नाइट। I'm sorry. I think she doesn't like you. मेरे दोस्त, उसे बेवफा साबित करना तो दूर की बात, वो तो सीधे मुंह तुमसे बात तक नहीं करेगी। नो, कभी नहीं। औरत जिससे शादी करती है प्यार भी उसी से करती है। देखते हैं, खाना खाओ, खाना खाओ। देखते हैं, खाओ खाओ। देखो मॉर्निंग। देखो आपके पति की शर्ट पहन ली मैंने, कहीं आप मुझे रवि मत समझ लीजिएगा। लगता है पौधों से बहुत प्यार है आपको, इनका बड़ा ख्याल रखती हैं आप। इस सुबह की रोशनी में हर चीज कितनी खूबसूरत लगती है यहाँ। आप भी लाइए, मैं पौधों को पानी दे देता हूँ। जी नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। एंड मिस्टर, यू आर डिस्टर्बिंग मी। देखिए, मुझे भी पौधों से बहुत प्यार है, लाइए ना प्लीज। जस्ट गेट लॉस्ट। आपको तैरते हुए देख रहा था, वैसे बहुत अच्छा तैरती हैं आप, काश हम भी ऐसा तैर पाते। तैरना नहीं आता तो डूब मरो। Thank you.
कौन है तू? कौन है तू? क्या चाहिए? कौन है तू? छोड़ो मुझे। बता रहे मिला नहीं, चुपचाप बैठे रहो, समझे क्या? रवि, चोट ज्यादा नहीं है, जरा बैंडेज ले आना प्लीज। रवि रवि रवि, अनीता जल्दी प्लीज। रवि तुम ठीक तो हो ना? रवि 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 रवि, इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? घबराओ मत, ठीक हो जाएंगे। रवि रवि रवि, हाँ रवि, तुम ठीक तो हो ना? रवि संभल के, आराम से। रवि तुम ठीक तो हो ना? मुझे नींद आ रही है। ये लो। रवि, ओ ओ गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मच बेटर। गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रवि साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ थैंक यू। यू आर वेलकम डार्लिंग। अगर कल ये ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। एक्सक्यूज मी, मुझे पौधों से बहुत प्यार है। अच्छा? और उन्हें पानी देना। हाँ, that's it. कल रात आपने जो मेरे लिए किया, उसका शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। I'm really very sorry. नहीं बाबा नहीं। क्यों? मुझे पानी से बहुत डर लगता। आओ मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा दूं। नहीं बाबा नहीं, I can't swim. Why? वैसे तो तुम बहुत ब्रेव बनते हो। अच्छा रियली? उस चोर को तो मार भगाया और स्विमिंग करने से डरते हो। ये देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये पानी से मुझे बहुत डर लगता। I can't swim. But I love watching you swim. Achha? You swim really well. I love swimming. I love swimming. I love swimming. Achha? Come on. Coffee. Coffee for both of you. Thank you. वेलकम।
कॉफी। थैंक यू डार्लिंग, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। नहीं, मेरा मूड नहीं है। क्यों? मूड ज्यादा ही खराब है। ऐसे ही समझ लो। लगता है चोर ने गहरी चोट पहुंचाई, और वैसे भी ये एक शर्त हारने वाले हैं। शर्त? कैसी शर्त? अगर ये बता दिया तो सारे खेल का मजा ही निकल जाएगा। क्यों रवि साहब, ठीक कह रहा हूं ना मैं? हम उनमें से हैं जो कुछ हार कर भी कुछ जीत ही लेंगे। अच्छा भाई, मेरी समझ में तो तुम लोगों की कोई बात नहीं आ रही। यही बेहतर है। डार्लिंग, कल से तुम दफ्तर जरूर जाना, क्योंकि घर में रहने से तुम्हारा मूड कुछ ज्यादा ही खराब रहता है। क्यों, तुम मुझे अब घर से निकालना चाह रही हो? बाय डार्लिंग। बाय। यस सर। घर वापस चलो। साहब तो टूट गए हैं। तूने कमरे में झांक कर देखा है क्या? नहीं। हाँ, मालकिन तो बेवफा है। ऐसी मालकिन को तो ना। Ah!
साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, 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 बड़े साहब। क्या हुआ? साहब मालकिन को देखिए क्या हो गया है। Oh my God, अनिता! सैम डी सिल्वा। Excuse me. मैं इंस्पेक्टर भेंडे। आपकी बीवी का खून हुआ? और उसने मारा मेरी बीवी को। क्या कह रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है। न जाने कौन सा खेल खेलता आ रहा है मुझसे। मुझसे कहता है कि साबित करके दिखाओ कि मेरी बीवी बेवफा है। शर्त लगाई मुझसे और मुझे घर ले आया। बताइए कोई अजनबी को ऐसे घर ले आता है? इस बात का कोई गवाह है तुम्हारे पास? याद नहीं मुझे, मालूम नहीं। हाँ, एक गवाह है। कौन? वो बारमैन जिस बार में हम दोनों की मुलाकात हुई थी। इसने मुझसे तभी शर्त लगाई थी और शायद इसके दिमाग में कोई प्लान तभी था। शर्मा। यस सर। उस बारमैन को लेके आओ। जी। क्या पता है उस बार का? बारमैन, तुम इन दोनों को पहचानते हो? जी हाँ, ये अक्सर अपने बार में आया करते थे। इन दोनों में आपस में कोई शर्त लगी थी? शर्त? हाँ, उस दिन रात को शर्त लगी थी कि हमारी बीवी बेवफा है या नहीं बोल के। फिर ये रवि साहब को घर लेके चले गए। कौन? रवि साहब ये इनको घर लेके चले गए? अच्छा अच्छा, घर में क्या हुआ? शर्त कौन जीता? इसने मेरी बीवी पे डोरे डाले। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। यानी कि तुमने अपनी बीवी को बेवफाई करते हुए देख लिया, तुमसे रहा नहीं किया, तुमने उसका खून किया। उसका खून नहीं किया, इसने मारा मेरी बीवी को। Shut up! तुम्हारा प्लान अच्छा था, इस लड़के को इस घर में लाने का और यह खून इस लड़के के सर पे थोप देने का। अच्छा प्लान था। Give me your hand. No. मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। मैं कहता हूं अपना हाथ मुझे दो। No, Inspector. Give me your hand. I arrest you. You can't do that. मैंने अनिता को नहीं मारा इंस्पेक्टर। Come on. मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। I said, come on. Good morning, sir. नमस्कार सर। साहब नमस्ते। सैम तुम? सैम डी सिल्वा। यस मिस्टर रवि मेहरा।
सैम डी सिल्वा, हमें इस हादसे की खबर तो मिल चुकी थी, फिर आपके नौकर ने कहा कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। हम आ तो गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आपको बेगुनाह साबित कर देंगे। इस केस की तहकीकात की जाएगी, सच्चाई जानी जाएगी, उसके बाद देखते हैं। ये सैम किससे मिलने आया? वो नया कैदी है ना रवि मेरा, उससे मिलने आए हैं। तुम उस लड़के से बार में मिले पहली बार, और उसे घर ले गए, और तुम्हारी बीवी बेवफा निकली, और तुमने उसका खून कर दिया। मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया। सिट डाउन, सिट डाउन। चलो मान लेते हैं कि खून तुमने नहीं किया, तो फिर कातिल कौन हो सकता है? मुझे नहीं मालूम। सोचो, फिर भी हो सकता है उस लड़के ने उसका खून कर दिया हो। अच्छा, लेकिन क्यों क्यों मारेगा वो लड़का उसे? भाई आखिर वो बीवी तुम्हारी थी, बेवफाई उसने तुम्हारे साथ की थी, फिर क्यों वो लड़का तुम्हारी बीवी का खून करेगा? क्यों? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अनीता का खून मैंने नहीं किया। अच्छा, इस दौरान कोई और हादसा हुआ, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा क्लू जो हमें इस केस में हेल्प कर सके? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अनीता का खून नहीं किया। देखो दोस्त, अगर तो तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें सजा नहीं होगी, क्योंकि सैम डी सिल्वा किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होने देता। लेकिन अगर तुम हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें सजा न भी मिलती होगी तो मैं दिलवाऊंगा, और फिर तुम पछताओगे कि क्यों तुमने सैम डी सिल्वा को इस केस में डाला। रिमेंबर दैट। तो ये अनीता, क्या नाम है उसके हस्बैंड का? रवि मेहरा। रवि मेहरा, वो आपको ऐसे ही बार में मिल गया और ऐसे घर ले गया है? अजीब सी बात है, लेकिन हुआ ऐसे ही। अच्छा, उसने मुझसे शर्त लगाई। अच्छा, जोसेफ भी था, इसी के सामने सारी बात हुई। अजीब सा आदमी था, अजीब सा माहौल था उसके घर का, अजीब से लोग। मुझे क्या पता था वो अपनी बीवी का खून कर देगा। अगर मुझे पता होता तो मैं उस घर में कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता। छोड़ दीजिए इस बात को, ये बताइए उसकी बीवी क्या वाकई बेवफा थी? अनफॉर्चुनेटली यस। मतलब है कि वो आपको देखते ही आप पर फिदा हो गई? नहीं, शुरू में तो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। फिर हुआ यूं, एक रात उनके घर चोर आया। चोर? हाँ, उसके हाथ में पिस्तौल थी। पिस्तौल? उसने रवि के सर पे चोट कर दी। हाँ, अनीता चिल्लाने लगी और अच्छा हुआ मैं पहुंच गया, मैंने उस चोर को पकड़ा। पर उसके हाथ में पिस्तौल थी और उसने चलाई नहीं? मैंने उसको इतना मारा कि वो पिस्तौल विस्तौल भूल के भाग गया। उसके बाद अनीता आपको हीरो समझने लगी? अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ, और रवि उस पर शक करने लगा। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ओ गॉड, उसने ये क्या कर दिया, उसने उसको मार डाला, अपनी बीवी को उसने मार डाला। ये कौन से कमरे में हादसा हुआ था? रात को उनके बेडरूम में वो चोर आ गया था और अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पास वाले कमरे में सोया हुआ था। अच्छा, मैं ओ गोपी हमें अच्छा जयेश, वेरी नाइस मीटिंग यू, वेरी नाइस, होप टू सी यू अगेन। तो ये है रवि मेहरा का बेडरूम, और चोर यहीं पर घुसा था। हमें चोर से क्या करना, अरे खूनी को तो हमने पकड़ लिया, रवि मेहरा ही अपनी बीवी का खूनी है। हाँ, तुम कहते ठीक हो भिंडे, लेकिन सैम फिर भी कहता। सैम कहाँ है? सैम आ रहा है, तब तक काम करो भिंडे, तुम डिटेल्स नोट करो। आई एम श्योर कि उस रात कपल इस बिस्तर पर सो रहा होगा, क्वाइट पॉसिबल, और चोर इस पर्दे के पीछे रहा होगा, और चोर ने पर्दा ऐसे। तुम कहां से आए? मैं यहां से आया। क्यों? क्योंकि मैं चोर की तरह आना चाहता था, मैं चोर की तरह सोचना चाहता हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो, बत्ती जलाओ। हाँ। हाँ, यू आर राइट गोपी, कपल यहां सोया होगा, चोर इधर से आया होगा, जयेश उधर से आया होगा, दोनों ने यहां झगड़ा किया होगा। ढूंढो कोई चीज मिलती है, कोई क्लू मिलता है तो ढूंढो प्लीज। ओके सैम, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। क्या?
हमने जब खूनी को पकड़ लिया है तो चोर बीच में कहां से आ गया? भिंडे, ये मर्डर की कहानी है, इसमें चोर की कहानी आ गई। क्यों आ गई, कैसे आ गई, कहां से आ गई, जब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते मर्डर सॉल्व नहीं होने वाला। अरे मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है सैम। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। ये चोर वाले पिस्तौल है, हैंगोपी वही पिस्तौल है। Exactly. और अब ये मेरे हाथ में है तो पागल हो गया क्या? Don't move. पागल हो गया क्या? क्या हो गया इसको? अरे लाइटर, लाइटर। ये चोर जरूर सिगरेट पीता रहा होगा। सिगरेट पीता रहा होगा, लेकिन यहाँ चोरी करने आया था, कोई सिगरेट पीने थोड़ी आया था। पॉइंट तो ये इस पर नाम लिखा हुआ है। क्या नाम? जी डी खन्ना कार। कार, ये जी डी कार। सैम, अब तुम्हारा काम है इस चोर को ढूंढना, इसे ढूंढ कर लाओ। तो तुम रवि मेहरा के यहाँ चोरी करने गए थे? मैं नहीं गया था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम 28 तारीख की रात को रवि मेहरा के घर गए थे। मैं नहीं गया था, मैं चोर नहीं हूं। तुम कमाल है, मैंने पिस्तौल निकाली और तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा। जाहिर है, क्योंकि ये पिस्तौल नहीं महज एक लाइटर है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, और वो इसलिए क्योंकि ये लाइटर तुम्हारा है। ये देखो, इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, जेडी खन्ना खार। अब बताओ तुम वहां गए थे कि नहीं गए थे? मैं नहीं गया था, मैं चोर नहीं हूं। तुम क्या हो, स्मगलर हो, चरस गांजे का धंधा करते हो? मैं कुछ नहीं। तुम उसके घर में चोरी करने गए थे? मैं सचमुच चोर नहीं हूं, तुम बताते हो या नहीं? मैं भिंडे, क्या कह रहा है साहब? ये कह रहा है कि हमें मौका वारदात पे जाना चाहिए कातिल को पकड़ने के लिए। हाँ, यही वो जगह है, ये स्विमिंग पूल जहां अनीता, मिसेज अनीता मेहरा की मौत हुई। वो इतनी अच्छी तैराक थी कि खुद तो डूब नहीं सकती थी, जरूर उनको किसी ने डुबोया है, शायद उनके पति ने, लेकिन ये इस बात से इनकार करते हैं। और इस चोर का इस कहानी में क्या हाथ है कौन जाने। जैसे मैं कहता आया हूं गोपी, शक करना हमारे पेशे की बुनियाद है, हम सब पर शक करेंगे, कोई भी हमारे शक के दायरे के बाहर नहीं रह सकता, कोई भी नहीं, समझे गोपी? बचाओ, सैम, बचाओ। आराम से, आराम से, आराम से, कुछ नहीं हुआ। ये कैसा मजाक है सैम साहब? What's this, Mr. Disilva? अगर ये मजाक है तो बहुत ही भद्दा मजाक है, इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। डूबने से डरते हो, किसी को डुबोने से नहीं। क्या मतलब? क्यों खून किया तुमने अनीता का? ये क्या कह रहे हैं आप, मैं तो उसे जानता भी नहीं था। तुम्हें तैरना आता है? उसका खून से क्या मतलब है? क्योंकि जिसे तैरना आता है वही किसी को डुबो सकता है, खुद डूबने वाला किसी को क्या डुबोएगा? मैं? सैम साहब, मैं अनीता को क्यों मारूंगा? मैं तो उसे जानता तक नहीं था। नहीं नहीं, दो दिन के लिए रवि ने मुझे उससे मिलवाया था, दैट्स ऑल। काफी चालाक हो, लेकिन सैम डिसिल्वा को नहीं जानते। वो जब भी कोई केस हाथ में लेता है तो उसकी अगली पिछली हिस्ट्री सब निकाल लेता है।
राधा, मोहन। हाय जयेश। क्यों नहीं पहचानते इन्हें? तुम्हारे कॉलेज के दोस्त हैं और इन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी, सावन के झूलों की कहानी, किसी के प्यार की कहानी। लेकिन कॉलेज का प्यार अक्सर शादी में नहीं बदल पाता, क्योंकि पढ़ाई खत्म करते करते लड़की के माँ बाप उसके लिए वर ढूंढना शुरू कर देते हैं और लड़का बेचारा अपनी पहली नौकरी की तलाश में होता है। नतीजा, लड़की की शादी कहीं और कर दी जाती है। अनीता, अनीता मेरी एक मिनट मेरी बात सुनो अनीता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अनीता, आई लव यू अनीता। जयेश, तुम जानते हो मेरी शादी पक्की हो गई है। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। क्या मजबूरी अनीता? देखो देखो मेरी तरफ देखो अनीता, आई लव यू अनीता, आई लव यू। जयेश, तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मेरी शादी पक्की हो गई है और तुम मेरे डैडी को जानते हो अच्छी तरह से। बहुत ज्यादा अमीर है वो लड़का, अमीर है ना? अमीर है तो अमीर के लिए मुझे छोड़ रही हो? I hate you, दादाबाज, I hate you. Leave me. You leave me. Leave me alone. Anita, रुक जाओ. I can't stay without you, Anita. I hate you. Anita की शादी रवि से हो गई और तुम्हें लगा कि Anita ने एक अमीर आदमी के लिए तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया है, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ा दिया है, इसलिए तुम अक्सर शराब के नशे में चूर रहने लगे। Anita. अनीता, तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती, तू किसी और की भी नहीं हो सकती अनीता। तुम्हारी उस हालत का गवाह तुम्हारा बारमैन है जो पुलिस के सामने तुम्हारा गवाह बना। जोसेफ, तहकीकात के दौरान जोसेफ ने हमें बताया कि उस रात जिस रात यह कहानी शुरू होती है, जोसेफ ने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी कहा सब तुम्हारा सिखाया हुआ था। तुमने इससे कहा था कि ये तुम्हें ड्रिंक ना दे बल्कि तुम्हारे कर्जों की बात करे, क्योंकि उस वक्त एक बहुत अमीर आदमी उस बार में बैठा हुआ था, रवि, अनीता का पति। तुम्हारा निशाना ठीक बैठ गया क्योंकि रवि ने कहा तुम्हारी ड्रिंक का बिल वो दे देगा, बस दोस्ती हो गई। और तुमने उसको भड़काया कि हर औरत बेवफा होती है। उसने कहा मेरी बीवी नहीं, तुमने कहा लगाते हो शर्त, उसने कहा लगा लो बेशक। तैश में आकर वो तुम्हें अपने घर ले गया। ये उसने बहुत बड़ी गलती की क्योंकि तुम्हें देखकर अनीता चौंक गई, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया और तुम उस पर डोरे डालने लगे, लेकिन अनीता पर कोई असर ना हुआ बल्कि वो नाराज होती रही। अनीता का पति खुश था कि तुम शर्त हारने वाले हो और वो शर्त जीतने वाला है। तुम सोचने लगे कि अब करूं तो क्या करूं। तुम्हारा दूसरा प्लान, तुमने जग्गी को चोर बनाकर घर में दाखिल किया। जग्गी ने वो सारा नाटक किया जो तुमने उसे सिखाया था, उसने रवि को मारा और तुमसे मार खाई और भाग गया। अनीता तुम्हारी एहसानमंद थी कि तुमने उसके पति को बचा लिया, तुम इस बात का फायदा उठाने लगे और रवि को जलाने लगे। रवि वैसे ही तड़पने लगा जैसे कि तुम तड़पा करते थे, लेकिन इस घर में आने का तुम्हारा असली मकसद कुछ और ही था, अनीता को उसकी बेवफाई की सजा देना, तुम्हें छोड़ देने की सजा। और उस दिन you
परफेक्ट मर्डर, जहां पुलिस पति को कातिल समझती है। तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया, लेकिन सैम और गोपी से बचना जरा मुश्किल था। जुर्म करने से पहले हर कातिल इस बात को क्यों नहीं समझता सैम? इंस्पेक्टर भिंडे, प्लीज गिव मी योर हैंड। जयेश, एक बात बताओ, सच सच बताना, क्या वाकई अनिता अपने पति के साथ बेवफा थी? नहीं, उस रोज जब चोर का ड्रामा हुआ और रवि सो गया था, तो मैं पास वाले कमरे में हूं, मेरी जरूरत पड़ी तो बुला लेना। सुनिए जयेश, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे घर में आग लगाने आए हो? हाँ नहीं अनिता, नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था तुमसे मिलने का, माफी मांगने का। मैं तो यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ जयेश। हाँ नीता, हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना? हाँ जयेश, सिर्फ दोस्त, अच्छे दोस्त। और फिर मैं ऐसा दिखाने लगा जैसे मेरे और अनिता के बीच एक रिश्ता बन रहा है, जबकि उसकी तरफ से सिर्फ दोस्ती थी। मैंने इसी बात का फायदा उठाया, मैं अब दोनों के बीच दरार पैदा कर चुका था। अब रवि तड़पता था और मुझे सही मौके की तलाश थी। उस दिन मैं जानता था कि रवि दफ्तर से शक के मारे घर वापस आ गया। मैं अनिता की बेडरूम में गया और याद है अनिता, कॉलेज में हमने लैला मजनू प्ले किया था, ऐसे ही एम्ब्रेस किया था ना तुम्हें, तुम्हारे बाल मेरे शर्ट के बटन में अटक गए और तुम कितनी जोर से चिल्लाई। वो बेवफा नहीं थी रवि साहब, औरत जिससे शादी करती है उसी से प्यार भी करती है, ये मैं जान गया। हवलदार, ले जाओ इसे। सैम, तुम्हें जयेश पे शक कैसे हुआ? लॉकअप में जग्गी ने हमें बताया कि मैं चोर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि तुम चोर नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम चोरी करने गए थे, मानते हो? हाँ गया था, लेकिन चोरी करने नहीं गया था। तब किस लिए गए थे? मुझे उसके लिए पैसे दिए गए थे। पैसे दिए गए? किसने? बोलो बोलो। जयेश ने। बात तो तभी साफ हो गई थी कि जयेश ही किलर है, लेकिन इसको साबित करना बाकी था। और जैसा कि मैंने बताया, जब सैम किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसकी अगली पिछली जिंदगी के बारे में सब पता कर लेता है, यहाँ तक कि वो सब भी जो आदमी खुद ही भूल जाता है। सैम, यू आर ग्रेट, हैट्स ऑफ। थैंक्स।